नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद के नेतृत्व में सदर तहसील तिकोनिया पार्क में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह ने बताया कि इस धरने से पूर्व 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था, पर अभी तक प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया है। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम सभी किसान यूनियन द्वारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी कड़ी में वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने कहा कि जिलाधिकारी प्रतिनिधि के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पर सौंपा जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे बीकापुर अपर जिलाधिकारी को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। भूमाफियाओं द्वारा पूरे जिले में पुलिस वन विभाग की मिलीभगत से हरे आम के पेड़ों को कटवा कर लाती जा रही है। सुहावल तहसील क्षेत्र में तत्काल रोक लगाई जाए, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन करने के लिए हम सभी किसान यूनियन के लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष फरीद अहमद, वरिष्ठ प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह, अजय यादव, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, राम प्रताप गुप्ता के साथ भारतीय किसान यूनियन तमाम पदाधिकारी, 7 कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम ज्वलंत मांगे हैं जो कि ग्रामीणों की सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी तीन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की तीन पंचायत हुआ करती है, ब्लॉक, तहसील, जिला। तो आज जिले में जो नीचे स्तर के नहीं सुने जाते हैं तो हम लोग जिले में एक बैठक करते हैं जो कि डीएम को ज्ञापन देते हैं। और तमाम ग्रामीण समस्याएं ऐसे है कि लोग हमारे यहाँ तहसील दिवस, थाना दिवस, हमारे किसान जाके थक जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती है। तो इसलिए हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर डीएम को एक ज्ञापन देते हैं, अगर उस पर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करते हैं। तो तमाम ऐसी समस्या भी है। खाद के बीज किसानों के बोने के लिए आए थे तो सत्ता पक्ष के लोगों के चहेतों द्वारा ही बंटवा दिया जाता है। जो हमारे पात्र किसान होते हैं वो लाभ से वांछित रह जाते हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पूरे ज़िले की एक समस्या है, सरकार हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगाता है कि पर्यावरण बचाओ, लाओ देश बचाओ। तो इसमें भू माफियाओं द्वारा रातों रात पूरे बाग को खरीदा जाता है, उस पर ईंटें गाड़ ली जाती हैं और रातों रात पुलिस प्रशासन, वन विभाग की मिलीभगत से पूरे बाग कट जाते हैं। हमारा किसान अगर लड़की की शादी में एक पेड़ कटाने के लिए परमिशन लेता है तो सालों साल उसको लग जाता है, शादी हो जाती, परमिशन नहीं मिलता। तो आप बताइए, ये सारे भ्रष्टाचार हैं कि नहीं है? तमाम ऐसे नजूल की ज़मीनों पे कब्जा हो जाते हैं। अभी हमारे राम प्रताप जी ने बताया, डुडा विभाग में सबसे ज़्यादा अपने ज़िले में भ्रष्टाचार है। तमाम अपात्र लोगों को कॉलोनियाँ दी जा रही हैं, जो कि पात्र व्यक्ति बहुत कम ही पाते हैं और सारे लोग अपात्र ही पा जाते हैं। जिस पे इन्होंने आवाज़ उठाई, तमाम इनको फर्जी रिपोर्ट मिली, जांच भी इनको मिली है, सब कुछ रिपोर्ट लिए, सारे चीज़ फर्जी इन्होंने सबूत के साथ पेश किया, कई बार पेश किए कि ये महोदय ये गलत है, सरासर गलत है, इनके पास 2 तल्ला बिल्डिंगें हैं, तमाम इनके पास पक्के मकान हैं। उन लोगों को डुडा द्वारा पूरी सुविधा दी जा रही है, उनको कॉलोनियाँ दी जा रही हैं। तो आप बताइए, हमारे गरीब इसी तरह हमेशा लाभ से वांछित रह जाएंगे? हमारी मांग यही है, हम आज ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन के माध्यम से सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग एक हफ्ते के अंदर इस ज़िले में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि शासन प्रशासन हिल जाए। मासिक पंचायत 17 तारीख को हो रही है। हर माह हमारी पंचायत किसानों की, पूरे ज़िले के किसानों की समस्याओं की पंचायत होगी। हमारी प्रमुख मुद्दा हम लोगों का ये है, जैसे कोई एक विभाग बनता है, आप ये बताइए जो है कि 1983 से एक मास्टर प्लान बना सरकार का, मास्टर प्लान के तहत उसमें रखा जाता है कि यहाँ ये आवास रहेगा, यहाँ कृषि रहेगी, यहाँ ये बाढ़ क्षेत्र रहेगा। सारा डूब क्षेत्र में इनका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब बताइए, डूब क्षेत्र में इनका आवास विकास बनेगा? 1984 से लेकर आज तक सर्वे बंदोबस्त किसी माझा का हुआ नहीं, आप नहीं कराओगे? उसके बाद में एक महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट ने भगवान राम की 1000 बीघा जमीन उसने प्लाटिंग करके बेच लिया, उसकी जांच नहीं कराओगे? ये सब को लेकर तमाम मुद्दे और पूरे जिले के मुद्दे को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये एक हफ्ता के अंदर हम लोगों का उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की